हेलो दोस्तों, कल जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके बहुत सारे जनों ने आंसर दिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि और भी उसके आंसर्स आने चाहिए थे। देखो दोस्तों, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़, अगर किसी ने नहीं देखा है, आपके अगर कोई दोस्त है तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और ये प्रॉब्लम आप जितने सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का ये सेकंड वीडियो यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसमें MCQ और MSQ ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बुक और पेन लेकर बैठना है, और जैसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आज मैंने पहले ही बताया, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि इस बार मैं ये इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। मैं कम से कम यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, चलते वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में आपको क्या दिखता है, तो आप ज़रा केयरफुली इसे देखो और इसका आंसर देने की कोशिश करो। मैं तो आंसर देने वाला ही हूँ। तो दोस्तों, आपने शायद आंसर लिख लिया है और वो आप अभी चेक करोगे। तो ये जो ब्लैक यहाँ पर जो गिरगिटिंग जैसा जो दिख रहा है पेन से किया हुआ, तो ये है, ये जो है ये मास है, और ये जो वाइट दिख रहा है ये स्पेस है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? स्पेस। ओके, तो चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है ये आपको क्या दिख रहा है, ये जो पिक्चर यहाँ पर फोटोग्राफ मैंने दिखाया, ये किसका फोटोग्राफ है? तो कल तो हमने लिख लिए कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या क्या है, कौन से एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, और इसका आंसर आपको देना है। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपको कि ये क्या हो सकता। देखो दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है और ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बताए हैं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो मेरा एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन का वीडियो जाकर देख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसका आंसर देने वाला हूँ। आपको तो समझ में आ गया कि ये क्या है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स है जो भी दिख रहे, ये 3D फॉर्म्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये फॉर्म्स है। ओके, तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट का आंसर आपको देना है। यहाँ पर तो मैंने देखा नहीं कौन सा है, तो चलो देखते हैं। ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? तो आपने अच्छे से देख लिया और इसका आंसर देना है। ये नंबर 5th है कि इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो दोस्तों, इसकी जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये फटाफट आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का भी आंसर आपको देना है। ये क्या है? ये जो यहाँ पर पेंटिंग दिखाया है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप ज़रा सोचिए और ये मुझे बताइएगा। तो ये जो दिख रहा है,
ये हमने कल इस टाइप का देखा है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ये हाथ दिख रहा है और ये हाथ के आजू बाजू में जो भी दिख रहा है ऊपर से, तो ये क्या है, इसका आंसर भी आपको ही देना है। तो नेक्स्ट जो है इसका आंसर मैं देता हूँ, ये क्या हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक 15-20 सेकंड देता हूँ कि इसका आंसर आप लिख लो और मैं कौन सा आंसर दे रहा हूँ वो और आपका मैच हो रहा है कि देखो। तो दोस्तों ये है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सारे पॉइंट दिख रहे हैं छोटे बड़े, ये देखेंगे तो ये बहुत बारीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये मिडल है और यहाँ पर बड़े बड़े हैं और ये पूरे बड़े से छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो आप देख सकते कि ये पॉइंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 9, ये क्या हो सकता है, तो इसका आंसर आपको देना है। देखो ये यहाँ पर जो पिरामिड्स है वो कैसे है ये ज़रा सोचिएगा और इसका आंसर आपको देना है, नंबर 9। अभी नेक्स्ट जो है नंबर 10, नंबर 10 ये हमने कल भी देखा था और इसका आंसर मैंने कल बताया था पर ये आज आपको देना है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस टाइप का हमने कल के वीडियो में देखा है, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और नंबर 11 जो है इसका आंसर क्या हो सकता है ये आपको सोच कर बताना है। तो दोस्तों ये कलर स्कीम भी आप बता सकते हो उसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने कलर स्कीम भी आपको बताई थी सिखाई थी, तो ये एक्स्ट्रा का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये भी आंसर आपको ही देना है कि यहाँ पर क्या है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 13, ये तो मैंने पहले ही आपको समझाया है तो इसका आंसर तो आपको फटाक से आ जाएगा, पर मैं यहाँ फिर से आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो ये जो है ये स्पेस है और यहाँ पर ये जो वाइट है ये स्पेस है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है ये क्या है और कौन से एलिमेंट्स में आता है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया, अभी लास्ट 2 क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ओके। तो आप सबके आंसर नंबर वाइज देना, यहाँ नीचे नंबर आपको दिखेंगे जो है, ये देखो यहाँ पर नंबर दिखेंगे, तो इसका भी आंसर आपको ही देना है कि ये क्या है, कौन से एलिमेंट्स में आता है, तो ये आप बता सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस बार बहुत सारे आपके लिए छोड़े हैं और उसके आंसर आपको देना है। और दोस्तों इसके आंसर मैं जो देने वाला हूँ तो वो मैं नेक्स्ट डे ये मेरे कमेंट्स में रहेंगे, ठीक है। तो आज आपको आंसर देना है और चेक करना है, वैसे तो मैं उसके आंसर जो भी आप देंगे वो वहाँ पर ही बता दूंगा, बट ये बराबर है कि नहीं वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट डे मेरी कमेंट्स देखनी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट है क्लियर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखो और इसका आंसर दो। आपने देख लिया और मेरे ख्याल से आंसर भी लिख लिया है। तो दोस्तों आज मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के
16 क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये 16 क्वेश्चन में से मैंने जो आपको सॉल्व करने के लिए दिए, ये बहुत ज़्यादा दिए। 16 में से मेरे ख्याल से मैंने 4-5 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और बाकी सब आपको देने के लिए लगा है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन से ये इस टाइप में आते हैं, MCQ में आते हैं, MSQ में आते हैं, तो आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड लगने चाहिए, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा इसमें। देखो, इस बार जो क्वेश्चंस उन्होंने बताए 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के, तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मार्क्स यहाँ पर कम की। लास्ट ईयर में ज़्यादा मार्क्स थे और क्वेश्चन कम थे, तो ये भी बात के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। तो ये बात आपके समझ में आई, तो यहाँ पर मैंने जो जो लिए है वो आप गौर से देखो और परफेक्ट आंसर देना है। ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा मत करो। और जो मेरे वीडियोस है पहले, जो मैंने एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और कलर थ्योरी की जो है, ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, उसका स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात आपके समझ में आई तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, और जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आपको आंसर्स देने हैं, और अच्छे से आंसर देने हैं, और भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।